सो आईटी फैमिली वेलकम करते हैं आप सब लोग का इकोरी पेपटेक की न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे हमारा गेदर द लाइट इवेंट में हम लोग को मिल रहा है बहुत सारा मतलब गन का स्किन जिसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ रहा है। वैसे बहुत सारा नहीं मिला है, चार गन का स्किन मिला है जिसमें एक सिलेक्ट करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड इसमें से मैं आप लोग को बताऊंगा कौन सा बेस्ट है गन, कौन सा आपके लिए चलाने लायक है, कौन से कैसे काम करेगा, पूरा डिटेल के साथ समझाएंगे और ये बताएंगे गाइस कौन से गन लेने में आपका फायदा है सबसे ज्यादा। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस ऐसा क्या होता है कि कभी कभी ऐसे मतलब बाय चांस आप किसी गन का एबिलिटी नहीं जानते हो और वैसे ही नॉर्मली कोई भी उठा लेते हो तो गाइस आपके लिए घाटा हो। जैसे कि भी मेरा दोस्त ने किया, AWM उठा लिया और AWM के पास उसके पास वैसा ही एबिलिटी वाला स्किन था। तो फिर आप लोग भी जान जाइए एबिलिटी क्या है कैसे पूरा डिटेल के। तो फ्रेंड सबसे पहले इवेंट में आ जाना है गेदर द लाइट इवेंट में और इसके अंदर आपको 249 टोकन पुराना पड़ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर पुरा लिया कंप्लीट कर लिया हूँ, यहाँ पर 3 दिन मिशन कंप्लीट करोगे पूरा का पूरा तो आप लोग को मिल जाएगा। सीधे सिंपल एक्सचेंज स्टोर में आ जाना, एक्सचेंज स्टोर में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर बहुत सारा। तो सबसे ऊपर वाला देख सकते हो लेजेंडरी गन स्किन है, चारों का चारों आपको लेजेंडरी गन स्किन देखने को मिलेगा, थीम गन स्किन कोई नहीं है। अभी यहाँ पर आपको चक्री वाला टोकन से 249 टोकन से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक ना। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को दिखाया क्या जा रहा है, चार गन का स्किन है, आपको किसी एक को सिलेक्ट करके नीचे कन्फर्म करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इस पर टैप कर रहा हूँ तो देख सकते हो नीचे की साइड यहाँ पर इस पर कन्फर्म करने के लिए बोला है, मतलब आप जहाँ पर करोगे वहाँ पर आपको कर लेना है। तो देखिए इसका AWM का सबसे पहले AWM का एबिलिटी है डबल आर्मर प्रोटेक्शन रेट ऑफ फायर, और रेट ऑफ फायर गाइस इसमें AWM में कोई काम नहीं करता है, मतलब इसको आप गन स्विच से काम करता है, ठीक ना। स्विच जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी ये काम करेगा, आर्मर प्रोटेक्शन मतलब जल्दी वेस्ट वगैरह सब चीज तोड़ देगा, फाड़ के रख देगा। तो AWM को साइड करिए क्योंकि AWM बहुत सारे कम ही प्लेयर होते हैं जो AWM गेम के अंदर चलाते हैं। वैसे आप लोग चलाते हो कि नहीं चलाते हो कमेंट करके बताना। मैं गाइस ये वेक्टर, और वेक्टर का स्किन गाइस दिन पर दिन इसका रेंज वगैरह सब चीज घटाता जा रहा है, इसका डैमेज वगैरह सब चीज कम करता जा रहा है। मतलब पहले बहुत खतरनाक गन था डबल वेक्टर, अब बेकार से हो गया है। तो इसको अब कतई मतलब लोगो ही मत लीजिएगा ही नहीं, तो फ्रेंड यार इसको तो मेरे हिसाब से लेना ही मत कभी भी जिंदगी में, वैसे फ्री में दे दे तो ले लेना। अब आता है गाइस M41 नहीं, किंग फिशर, ठीक ना, मतलब किंग फिशर है और इसका डबल मैगजीन है और सिंगल डैमेज है और माइनस में रिलोड स्पीड है। तो देखिए इसमें तो पहली बात तो एक क्या होता है कि हम लोग को ये गन 20 MO अटकता है इसमें अंदर, और 20 MO में जल्दी कोई नहीं मरता है। इसका पता है गाइस बहुत ही मतलब बेकार सा मिड रेंज वाला गन है, ठीक ना, ये मिड रेंज वाला गन है, ना ही ज्यादा आप लोग को लॉन्ग रेंज में काम आएगा ना ही ज्यादा आप लोग को शॉर्ट रेंज में काम आएगा। तो मिड रेंज में ज्यादा कोई फाइट नहीं करता है, बहुत सारा ऐसा वेपन आ गया है जो कि हम लोग लॉन्ग रेंज में और फिर से शॉर्ट रेंज में चला लेंगे, तो ये इसको मत लीजिएगा। अब बच गया गाइस M10। गाइस M10 क्या है कि डबल रिलोड स्पीड है और सिंगल गाइस डैमेज है और माइनस में रेंज है। ये तो माइनस इसका ऐसे भी रेंज कम रहता है लेकिन इसका माइनस में रेंज है, लेकिन गाइस का डबल रिलोड स्पीड समझिए, M10 का बहुत फास्ट इसका रिलोड होता है, मतलब लाइक MP40 से थोड़ा ज्यादा ये रिलोड हो जाएगा, तुरंत ही रिलोड हो जाएगा, ठीक ना। तो फर्स्ट पे अपना ये वाला आता है गाइस M10, और सेकंड पर आता है गाइस अपना AWM, थर्ड पर आता है अपना ये वाला किंगफिशर, ठीक ना, फोर्थ पर आता है वेक्टर। तो फ्रेंड मैं तो यहाँ पर ये वाला लेने वाला हूँ, इसका गेम प्ले भी दिखाता हूँ गाइस कैसे रिलोड होता है। सो फ्रेंड इसको देख सकते हो, तो लॉबी कर लेते हैं, श्वाइन लॉबी यहाँ पर हाथ में लेके चलते हैं गाइस गेम के अंदर, लोन वुल्फ हमको दिखाते हैं कैसा रिलोड होता है, ठीक ना। सो गाइस मैं M10 को मैं परचेस कर लिया और यहाँ पर देख सकते हो तो फायर कर रहा हूँ चलो यहाँ पर हो गया। अब देखिए कितना जल्दी रिलोड हो गया, मतलब गाइस तुरंत ही MP40 के जैसा रिलोड हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो क्या ही खतरनाक। और देखिए रिलोड हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर दो गोली फायर कर रहा है तब तक रिलोड हो जा रहा है। सो फ्रेंड काफी ज्यादा मस्त है, और इसका एक तो और इसका एट्रीब्यूट बना देता है गाइस सिंगल डैमेज, इसका डैमेज भी बना दिया, तो गाइस कतई जहर वाला होने वाला है M10 का। तो चाहे आपको लेना है तो ले सकते हो गाइस। तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।